इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर, चैप्टर नेम है द क्रैंकी मैकाओ। तो अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके ICSE बोर्ड के सिलेबस के चैप्टर हैं। तो इस चैप्टर को मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में डिटेल में समझाने वाली हूँ। मैनी डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन रेप्टाइल्स आर केप्ट एज पेट्स। अब कई सारे अलग अलग तरह के जानवर या फिर पक्षी, बर्ड्स या फिर रेंगने वाले जीव को लोग क्या करते हैं, पालतू जीव की तरह पालते हैं, अपने घर में रखते हैं। डॉग्स आर पॉपुलर पेट्स एज दे आर फ्रेंडली एंड आर गुड कंपनी स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है क्या, डॉग, क्योंकि आपने कई घरों में देखे होंगे लोग कुत्ते को पालते हैं क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होता है, बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है और बहुत ही अच्छी कंपनी देता है क्योंकि वो बहुत वफादार भी होता है। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा कंपनी देता है बच्चों को, बच्चे के साथ खेलता भी है वो, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है इनमें से डॉग है। Some people have cats as pets because cats are very independent। कई लोग क्या बिल्ली को भी पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, उसको पालते हैं क्योंकि वो क्या बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद पर आधारित होते हैं, एक उनका सेल्फ डिपेंडेंट जो नेचर है इसकी वजह से वो नेचर जो है लोगों को पसंद आता है, तो वो बिल्ली को भी पालते हैं। Parakeets can be trained to talk। वहीं लोग पैराकिट्स को भी पालते हैं जिन्हें कि बोलना भी सिखाया जाता है। पैराकिट्स जो कि तोता होते हैं ना, तोता आपने देखा होगा ना, वो बोलना भी जानते हैं क्योंकि उनको सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, तो उनको बोलना सिखाया जा सकता है। इन ओल्डन डेज सेलर्स एंड पायरेट्स हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सी यूज टू कीप पैराकिट्स एज पेट्स। बहुत पुराने समय में क्या करते थे ना लोग, जो सेलर्स होते हैं ना, जो नाविक या फिर पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे होते हैं, वो लोग क्या करते थे, बहुत लंबा समय वो अपना समुद्र में बिताते थे क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता था। तो इस वजह से वो क्या करते थे कि तोते को पालतू जीव की तरह, मतलब पालतू पंछी की तरह वो पालते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सेलर एंड हिज पेट अ मकाओ। अब ये जो कहानी है ये है एक नाविक की और उसकी पालतू पंछी जो कि तोता है, मकाओ की कहानी है। ओल्ड सेलर जॉनी जे लव्ड द सी। एक पुराने नाविक हैं जिनका नाम है जॉनी जे, उनको समुद्र से बहुत प्यार है। From the year he turned 12, he started sailing। जब वो 12 साल के हुए थे तब से ही उन्होंने नाव चलाना शुरू कर दिया था, तब से ही वो नाविक बन गए थे। Since then it has been 66 year, और अब तो 66 साल हो चुके हैं, 66 year हो चुके हैं। He has sailed across the world, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाव चला रखा है। He has seen many countries, but the sea was his home। उन्होंने कई सारी कंट्री देखी हैं, बहुत सारे कंट्री घूम रखे हैं, लेकिन उनका जो घर है वो समुद्र ही है एक तरह से। He did not like to live on the land for a long period of time। उनको ज़्यादा लंबे समय तक जमीन पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको क्या समुद्र में ही रहना और नाव चलाते रहना ही ज़्यादा पसंद है। He had a small cabin on an island of Guyana where he chose to stay instead with his family which lived on a nearby island। उनका एक छोटा सा कैबिन है एक आइलैंड पे जो कि गुआना में है। गुआना में एक छोटे से टापू पे उनका कैबिन है, रूम है एक तरह से, छोटा सा रूम है जिसमें कि वो रहते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि वहाँ गुआना के टापू पे अकेले रहते हैं उस रूम में, और जबकि उनकी फैमिली जो है वो पास ही के आइलैंड पे रहती है। जॉनी जे हैज हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर्स। जॉनी जे का बहुत ही लंबे समय से सिर्फ एक ही ऐसा दोस्त है जो कि लंबे समय से उनके साथ है, जो कि है क्रेजी कूट। वो क्या तोता है जिसे वो क्रेजी कूट बोलते हैं। एज ही वॉज नोन स्पोक लाइक अ मैन बट विद अ वेरी गुड स्ट्रिक वेरी ऑड स्ट्रिकिंग टोन। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो तोता है वो क्या बोल सकता है, बिल्कुल इंसान की तरह बोल सकता है लेकिन एक बहुत ही ऑड सा उसका बहुत ही तीखा सा आवाज़ है, जो कि बिल्कुल मतलब होता है ना एक बहुत ही तीखी आवाज़, बहुत ही तेज आवाज़, आपने तोते की आवाज़ सुनी है ना वैसी, बिल्कुल श्रीकिंग टोन है उस तोते की, लेकिन वो इंसान की तरह बोल सकता है। क्रेजी कूट एंड जॉनी जे बोथ लव द सी। क्रेजी कूट और जॉनी जे दोनों को ही समुद्र से बहुत प्यार है। एंड लाइक ऑल सेलर्स इंजॉय देयर ओन कंपनी, और वो लोग एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय भी करते हैं। मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी बट वॉट मेड क्रेजी कूट रियली स्पेशल वॉज दैट ही वॉज अ मकाओ, अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट। अब वो जो क्रेजी कूट है उनको लोगों से ज़्यादा वो नहीं कॉन्टैक्ट रखना चाहता, मतलब लोगों से ज़्यादा मिलना उसको नहीं पसंद है। उसको सबसे ज़्यादा स्पेशल ये बनाता है कि वो एक मकाओ है। मकाओ जो होता है वो एक साउथ अमेरिकन तोता होता है, तो वो साउथ अमेरिकन तोता है, उसको मकाओ बोल रहे हैं इस वजह से। हिज प्लमेज एंड टेल फेदर्स वर स्कारलेट इन कलर, द रंप ऑफ लाइट ब्लू एंड द अपर विंग्स ऑफ येल्लो। अब उसका जो फेदर है, ये पैरट का जो फेदर होता है ना पंख,
वो क्या है कि वो बिल्कुल ही डार्क कलर का है, डार्क रेड जो कलर होता है ना वैसा है, रेड कलर का डार्किश है। और उसका जो रंप है, रंप जो कि पीछे का साइड होता है, बैक साइड जो है वो ब्लू कलर का है, पीछे से वो ब्लू है। और वहीं पे ऊपर का जो उसका पंख है ना वो कैसा है, येल्लो कलर का है, अपर विंग्स है येल्लो कलर का। मकाऊ आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक। जो मकाऊज होते हैं ना, यानी कि साउथ अमेरिकन तोते, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और उनको बोलना सिखाया जा सकता है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ तक हमने पार्ट वन वीडियो में पढ़ लिया है। यहाँ से आगे पढ़ने के लिए आपको इसी चैप्टर का पार्ट टू वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।